नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 में विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 8 की विज्ञान में इसके पिछले वीडियो में हमने पाठ 15 पढ़ रहे थे और पाठ 15 में पेज नंबर 190 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेज नंबर 191 यानी पेज नंबर 191। तो चलो बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यद्यपि एक ऐसी परिघटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम कभी अभी भी विकसित नहीं कर पाएंगे, यह है भूकंप। एक विशाल स्तर पर जनसंख्या तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर यानी चित्र 15.8 के ओरी तथा तंग धार शहर में एक बड़ी भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 201 में बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप 15.5 अपने माता पिता से भूकंप द्वारा हुई जन जीवन तथा संपत्ति के आधार पर क्षति के बारे में पूछिए। उन समय के समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं में इनकी भूकंप द्वारा क्षति को दर्शाए हुए कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए। इस भूकंप द्वारा लोगों को हुई क्षति में संबंधित संक्षेप टिप्पणी बनाइए। भूकंप क्या होता है? जब यह आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यह कुछ ऐसे प्रश्न है जिसके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? तो भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपृष्ठ के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप हर समय सब जगह आ रही है। तो ये बच्चों, आपको कश्मीर में जो भूकंप आया था उसका आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है कि भूकंप आने से कितनी हानि होती है। प्रायः इन्हें नोटिस किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। यह भवनों, पुल, बांध तथा लोगों की असीमित क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंप में बाढ़, भूकंप तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंदी महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्र में अपार हानि हुई थी। जो क्रियाकलाप 15.6 संसार का एक रेखा मान्य चित्र लीजिए। भारत में पूर्व तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीप के स्थित ज्ञान कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर उन अन्य देशों की मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी के क्षेत्र पहुंचते थे। अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य बड़े बूढ़े अथवा पास पड़ोस में रहने वाले सुनामी के कारण नुकसान की जानकारी एकत्रित कीजिए। मतलब आपको बच्चों भूकंप में क्या क्या हानि हुई है और सुनामी से क्या क्या हानि, उन सभी की ज्ञान आपको यहाँ पे इकट्ठा करना है। भूकंप का कारण, यानी अब हम पढ़ेंगे कि भूकंप किस कारण से आता है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड के एक सिंग पर टिकी है तथा जब सांड उसे दूसरे सिंग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। यह कैसा सत्य हो सकता है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणाएं मनगढ़ंत कथनों जैसे भूज की दादी ने सुनाई थी द्वारा एकत्रित की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। पृथ्वी के अंदर भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं? अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपृष्ठ कहते हैं, जो चित्र 15.9 यहाँ पे आपको बच्चों पृथ्वी की संरचना बताई गई है। ये भूपृष्ठित है, पावर है, बाह्य कोण, अंतरिक्ष कोण आपको बताया गया कि इस वजह से हमें पृथ्वी में कुछ हलचल होती है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित की गई है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेटन कहा जाता है। 15.10 ये प्लेटन निरंतर गति करती रहती है। जब एक से दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण, यहाँ पे आपको बताया गया बच्चों न्यूरेशियन प्लेटन, अरेबियन प्लेटन, इंडियन और प्लेटन, ये आपको बताया गया है कि पृथ्वी जो होती है वो एक स्तर पर नहीं, उसके अन्य कई टुकड़े होते हैं और उन्हीं टुकड़ों को हम प्लेटन कहते हैं। एक प्लेटन दूसरे प्लेटन के नीचे चली जाती है। चित्र 15.11, तो इनके कारण भूप्लेटे में विभवक्ष उत्पन्न होते हैं। यह विभवक्ष पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। ये आपको टकराती प्लेटें हैं बच्चों।
और रगड़ती प्लेटें, ये दोनों प्लेटें कभी कभी एक दूसरे के नीचे चली जाती और कभी कभी आपको इस तरह से रगड़ाती होती है। पृथ्वी की प्लेटों की गति, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतनी अधिक जानते हैं तो क्या वो आने वाले भूकंप के स्तर तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं तथा कभी तक यह संभव नहीं हो सकता, तो आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि भूगंत विस्तार से भी बूस्टर उत्पन्न हो सकता है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्र होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों में भूकंपी क्षेत्र अथवा भूग्रह क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप अधिक क्षेत्र कश्मीर पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय स्तर, उत्तर पूर्व कक्ष का रण राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। चित्र 15.12, ये आपको बताया गया बच्चों, यूरेशियन प्लेटा तपती का पठार, हिमाचल, गंगा का मैदान, माउंट एवरेस्ट और इंडिया का प्लेटे हिंद महासागर, इस तरह से ये प्लेटें बताई गई है बच्चों, जो अधिकतर भूकंप हमें कश्मीर में और राजस्थान में देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पृथ्वी के प्लेटों की गति है। किसी भूकंप की स्थिर के परिमाणों को रिगड़ पाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिकांश विनाशकारक भूकंप का रिगड़न पाने का प्रमाण 7 से अधिक होते हैं। भूज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंप का परिणाम 7.5 से अधिक था। तो इस तरह से बच्चों ये भूकंप का चित्र है। एक भूकंपीय की आरेख, भूकंप लेख उपकरण, ये आपको बताया गया बच्चों कि पृथ्वी के अंदर, ये आपको समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर ये आपको जो पॉइंट बताया वहां से आपको फोकस, पृथ्वी का पृष्ठ, अधिकेंद्र और भूकंपीय तरंग आपको दिखाई देते है। ये आपको एक भूकंप लेख उपकरण है। यहाँ पे आपको चार्ट पेपर है, लोकल का गोला, पेन, टेक और डोरी से ड्रेम आपको बताया गया है कि इस प्रकार से भूकंप होता है। भूकंप से बचाव, भूकंप आने पर हम किस प्रकार बचाव के वो बताया गया है। उपरांत चर्चा से हमने ये सीखा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यंत विनाशकारक हो सकता है, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरते। भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की अधिकांश होती है में रहने वाले लोगों का इनका सामान्य करने की विशेष रूप से तैयार होती है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आने की अधिकांश होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामान्य सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार होना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों को डिजाइन ऐसी हो कि वह बड़े भूकंप के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इस भवन बना सके। उचित यह है कि भवन के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरपत्त हो। किसी योग्य स्कार्टक एवं सरल इंजीनियर से परस्पर किया जाता है। अधिकांश भूकंप के क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थ में अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारत लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छे होते हैं। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति न होती है। अलमोरियों के इत्यादि के दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वह आसानी से न गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो फ्रेम, जल चापट, गजागियर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर न गिरे। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों में विशेष प्रकार ऊंची इमारत के अग्निशेषण के सभी उपकरण कार्यकरण स्थिति में होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसाधन स्तंभ रूढ़ेकन के भूकंप प्रतिरोध मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित करें।
भूकंप के झटके लगने की स्थिति में हमें अपनी बचाव के लिए निम्नलिखित उपयोग कीजिए। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले लीजिए तथा झटकों के रूप रोकने तक वहीं रहिए। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहिए जो आप ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आपके ऊपर गिर सके। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। दूसरा, यदि आप घर से बाहर हैं तो भवन वृक्ष तथा ऊपर जाती वृक्ष लाइन से दूर रहे। किसी खुले स्थल की खोज एवं धरती पर लेट जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकले। ड्राइवर से कहें कि धीरे धीरे किसी खुली स्थल पर पहुंचे। भू स्तंभ के संपत्त होने से पहले बाहर ना निकले। तो बच्चों, इस तरह से भूकंप से बचने के लिए हमें यहाँ पे ये उपाय बताए गए हैं। तो इस तरह से जो हमारा पार्ट 15 था वो पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो आज का आपका घर काम यही है कि पार्ट 15 के प्रश्न उत्तर स्वाध्याय पोथी में और नोट में आपको कंप्लीट करने हैं और ये पार्ट को एक बार और रिपीट करना है। आप एक बार और रिपीट करोगे तो आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से याद हो जाएंगे। तो घर काम आपको पूर्ण रूप से स्वाध्याय पोथी में और नोट में दोनों में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।